oogenesis in human female. So in our previous lecture, we are just studied about the process of spermatogenesis and spermiogenesis. Now today we are going to focus on oogenesis in human female. Fine. So we know that the process of formation of female gamete is called oogenesis. The process of formation of female gamete is known as oogenesis. Okay. So हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो process of oogenesis है स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ज्यादा वेरी करती है. तो यहाँ पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिसको आप क्या करेंगे, उनको एज इट इज आप उन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि जो भी हम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, हर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वो भी आपको वहां पे 101% आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ऊजेनेसिस, इसे जब हम आगे की जब प्रोसीड करेंगे तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे. जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे हम बोलेंगे उन्हें आप नोट करते जाइएगा, और एक एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ऊजेनेसिस एक्चुअल में है क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज नोन एज ऊजेनेसिस. ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि ये ठीक है, ये ऊजेनेसिस स्टार्ट कब होता है ह्यूमन फीमेल में, ये ऊजेनेसिस स्टार्ट कब होता है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, वहां पे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो एट प्यूबरिटी ऐसे स्टार्ट होता था, बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं है. तो ये पहला इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है फीमेल के केस में. ठीक है, ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ओजेनेसिस कि जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती, एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है. एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब कौन सा, फीमेल जो डेवलप कर रही है, जो फीमेल है, फीमेल आगे चल के एक मेच्योर फीमेल बनेगी, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही ओजेनेसिस की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, ओजेनेसिस की साइट का क्या है, मतलब कहाँ पे ये ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो इनसाइड ओवरी. कहां पे होती है, इनसाइड ओवरी. ठीक है, और कब से स्टार्ट हो जाती है ओजेनेसिस, फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही आपकी ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कपल ऑफ मिलियंस आपकी क्या यहां पे होती है, ओगोनिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओगोनिया एक्चुअली आपका क्या है, ओजेनेसिस में जो आपका ओबम फॉर्म करेगा एट द एंड. ठीक है, ओबम को फॉर्म करने की जो मदर सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओगोनिया. ठीक है, तो यहां पे क्या है, कपल ऑफ मिलियंस का मतलब 1 to 2 million इन ईच ओवरी क्या होते हैं आपके, ये जो है ओगोनिया वहां पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, कब, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ दैट फीमेल, जिसमें आगे चल के ये जो है आपका ओजेनेसिस की प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट होगी. तो स्टार्ट कहां से हो जाती है, पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओजेनेसिस कहां से स्टार्ट हो जाती है, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही आपकी शुरू हो जाती है. साइट क्या है, ओवरी है. ईच ओवरी में ये कितने होते हैं, कपल ऑफ मिलियंस, सो 1 से लेकर 2 million तक जो है इन ईच ओवरी ये जो है ओगोनिया आपकी प्रेजेंट होती है. और ओगोनिया क्या है, ये आपकी मदर सेल होती है, किसके लिए, ओबम फॉर्मेशन के लिए, मदर सेल. वहां आपने पढ़ा था स्पर्म के केस में स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे क्या है, ओगोनिया. इसको मदर सेल कहते हैं फॉर ओजेनेसिस. ओजेनेसिस की जो है मदर सेल होती है. ठीक है, तो ये इतना आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया. अब थोड़ा यहाँ पे और देखते हैं. ठीक है, ये मिलियन ऑफ्स होती हैं, लेकिन बाद में आप देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ यूजफुल बहुत ही फ्यू नंबर में जो है हमारे लिए यूजफुल होती है. तो इतना जो है लार्ज नंबर है ये फिर कैसे आगे बढ़ता है. ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं. तो
जो ये कपल ऑफ मिलियंस जो सेल आपकी यहाँ उगोनिया प्रेजेंट थी, जैसे ही, तो इसमें होता क्या है, जैसे ही बेबी बर्थ करेगा, ठीक है, फीमेल बेबी, ठीक है, ये जो फीमेल बेबी थी जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में उगोनिया फॉर्म कर रहे थे, तो जितनी भी उगोनिया बननी है, ये अब ये दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी उगोनिया का फॉर्मेशन होना है वो मिलियंस तक में जो कन्वर्ट होती है, एक से लेके मिलियंस तक वो डेवलप होती है, ये सारा डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ही कंप्लीट कर लिया जाता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, आफ्टर बर्थ कोई भी उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना, ये डबल करेगी, उगोनिया का नंबर जो है इंक्रीज नहीं करता, कब, आफ्टर बर्थ, तो जितना भी उगोनिया, एक उगोनिया से लेके मिलियंस ऑफ उगोनिया बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, उगोनिया की प्लाइडी क्या होती है, 2m डिप्लाइडी, ठीक है, तो यहां पे क्या है, विद जो माइटोसिस होनी, मतलब ओजेनेसिस में जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ कंप्लीट कर ली जाती है, बर्थ के बाद किसी भी उगोनिया में किसी भी टाइप की माइटोसिस देखने को नहीं मिलती, ये याद रखें, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वहां स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या कर रहा था, वहां पे क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता था, फिर जो है मियोसाइट बनती थी जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम कह देते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फर्दर आगे चल के डिवाइड करता था, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये समझेंगे कि जो भी उगोनिया बनने हैं वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ही बन जाते हैं, आफ्टर बर्थ एक भी उगोनिया नहीं बनता, मतलब ओजेनेसिस में कोई भी माइटोसिस आफ्टर बर्थ देखने को नहीं मिलती है ह्यूमन फीमेल में, ठीक है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया, नोट करें, इसको ध्यान दिएगा, यहां से बड़े आराम से क्वेश्चन बनता है और किसी से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान देते ही नहीं आप लोग। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमने, ठीक है, दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने बता दिया, अब इसका डेवलपमेंट देन कैसे होगा, अभी हमारे पास क्या है, चाइल्ड हमारा जो है जस्ट बर्थ लिया हुआ है और उसके पास उगोनिया है और जो हम कह रहे हैं कि कपल ऑफ मिलियंस है, ठीक है, चलो कंसीडर कर लिया। अब ये जो उगोनिया है, उगोनिया में डेवलपमेंट शुरू होता है, डेवलपमेंट कैसे, ये जो उगोनिया है, ठीक है, ये जो है डेवलप करके मेच्योर होके ग्रोथ करेगा, मेच्योर होगा और ये बना लेगा प्राइमरी ऊसाइट, क्या बना लेगा, प्राइमरी ऊसाइट, ध्यान रखेंगे जो प्राइमरी ऊसाइट होता है वो भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, वो भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, चलिए ठीक है। बर्थ के समय पे ये क्या हुआ, प्राइमरी ऊसाइट में डेवलप कर गया। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट आपका मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगा, मियोसिस, आप अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो फिगर नंबर 3.7 आप हल्का से समझेंगे, अभी इसको हम बताना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट अपने ऊपर क्या करता है, एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी ऊसाइट क्या करता है, अपने ऊपर जो है एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और अपने ऊपर जैसे ये लेयर का फॉर्मेशन करेगा ये कहलाने लगेगा प्राइमरी फॉलिकल। सो यहां पे क्या हुआ, प्राइमरी ऊसाइट, मैंने पीओ बना दिया, प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कवरिंग बनेगी इसके ऊपर, किसकी, किस, ये जो कवरिंग बनती है, जो सेल्स होती हैं, इसको हम ग्रेनुलेसा सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, ठीक है। एक ग्रेनुलोसा सेल के थ्रू इस पे एक पूरी कवरिंग बनेगी, किसके ऊपर, प्राइमरी ऊसाइट पे, और जैसे ये कवरिंग बन जाएगी, अब इस प्राइमरी ऊसाइट जो हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ये डिप्लॉयड इन नंबर, इसको हम जो है प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। फिगर 3.7 में आप सबसे पहला जो वहां बहुत छोटे छोटे 5 फॉलिकल बने हैं, उसके बाद एक और फॉलिकल वहां पे है, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए उसको लेबल किया गया है, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल होता क्या है, उसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट होता है जो डिप्लॉयड इन नंबर में होता है, किसमें होता है, डिप्लॉयड, इसकी प्लॉयडी कितनी होती है प्राइमरी ऊसाइट की, ये याद रखेंगे, पूछता है, बार बार पूछता है। तो प्राइमरी ऊसाइट जो है वो क्या है, वो उसकी प्लॉयडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल उसके ऊपर आ गई, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल। अब
प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग आती है। क्या आती है? जो आपके प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल आपका यहाँ पे है, इसमें जो है, सॉरी अभी यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना बाकी है, अब वो ध्यान देंगे तब हम सेकेंडरी पे आते हैं, ठीक है। तो जो ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें जो आपका प्राइमरी ओसाइट होता है, प्राइमरी ओसाइट मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाता है उसमें, और मियोसिस फर्स्ट जब शुरू होता है तो यहां पे प्रोफेज फर्स्ट, तो मियोसिस आपने पढ़ा है, जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसमें फाइव, उसमें जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आपकी स्टेजेस होती है, और प्रोफेज में आप देखते हैं कि कई सारी सब स्टेजेस भी होती हैं। तो इसमें क्या है, प्रोफेज फर्स्ट का मतलब क्या है, वो प्रोफेज की जो पहली इनिशियल स्टेज होती है, सब स्टेज होती है, वहां पे जाके रुक जाती है, मतलब मियोसिस स्टार्ट हो गया किसमें, प्राइमरी ओसाइट में, ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे प्रोफेज वन तक पहुंच के, मतलब सेल ने मियोसिस शुरू कर दी, प्राइमरी ओसाइट ने मियोसिस स्टार्ट कर दी, और उसने क्या किया, प्रोफेज फर्स्ट पे जाके वो रुक जाता है, इसको बोलते हैं अरेस्टेशन, अरेस्टेशन, ठीक है, या अरेस्टेड, इस प्रोसेस अरेस्टेड, ठीक है। अरेस्टेड मतलब यहां पे आके आपकी जो ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो डिवीजन है वो रुक जाता है। तो रुक जाने का मतलब क्या हुआ, अब यहां से एट द प्यूबेरिटी, मतलब बर्थ के समय ये काम हो गया, जस्ट बर्थ हुआ, बर्थ के एक से दो साल के अंदर ये चीजें हो जाती हैं। अब यहां से लेके ये जो फेज है, ठीक है, एट प्यूबेरिटी तक ये जो है ऐसे ही यहां पे रुका रहता है, ये आगे डेवलप नहीं करता, प्राइमरी ओसाइट जो है मियोसिस शुरू कर देता है, बट वो अरेस्टेड हो जाता है इस स्टेज पे, और कब तक के लिए, अप टू अप एट द प्यूबेरिटी, और जैसे प्यूबेरिटी पहुंचते हैं तो वहां पे पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहां तक ये प्रोसेस कहां तक है, ये जो यहां तक मैंने अभी समझाया, ये जो है बच्चे के एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके प्यूबेरिटी तक, ये इस तरीके से यहां तक हम लोग प्राइमरी फॉलिकल तक पहुंचते हैं, ठीक है। ओवरी में जो भी होगा सब प्राइमरी फॉलिकल स्टेज पे जाके सारी सेल वहां पे रुक जाती है, ठीक है, फाइन। अब क्या होता है, जैसे ही प्यूबेरिटी पे पहुंचते हैं एफएसएस सिक्रीट होता है, एफएसएस जैसे ही ट्रिगर करेगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। सो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या होगा, जो ये प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अभी क्या है, प्राइमरी ओसाइट जिसमें मियोसिस स्टार्ट हो चुकी बट कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान देंगे। फिर क्या होता है, इसी प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक लेयर और बन जाती है, किसकी, ग्रेनुलोसा सेल की। तो पहले एक लेयर था, दूसरी लेयर और फॉर्म हो गई, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल की, और यहां पे जो आपका प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, जो आपका प्राइमरी ओसाइट है वो अभी अरेस्टेड स्टेज में ही इसमें पड़ा रहता है। तभी यहां पे जो भी है आपका वो क्या है, प्राइमरी ओसाइट है और अरेस्टेड फेज में है, और इसमें दो लेयर बन जाती हैं, इन दोनों लेयर को, जो बाहर वाली होती है उसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो इनर साइड वाली होती है उसको कहते हैं थीका इंटरना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। तो ये दो चीजें यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो डेवलप हुआ, ये जो स्टेज होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो डेवलपमेंट की ये प्रोसेस है कंटिन्यूअस चल रही है, और जो ये सेकेंडरी फॉलिकल होता है, इस स्टेज तक आते आते जो मिलियन नंबर में आपके जो है क्या थी, ओगोन, ये आपके आपकी मेच्योर सेल थी फॉलिकुलर, जो आगे चल के ओबम का फॉर्मेशन करेंगी, इनका नंबर मिलियन से जो है कम हो जाता है, 60,000 से लेके 80,000 तक ही ये सेकेंडरी फॉलिकल आपकी प्रेजेंट होती है, किनमें, आपकी ओवरी में, ईच ओवरी में 60,000 से 80,000। सो कपल आप मिलियन से कितनी रह गई, सिर्फ 1,000, बाकी जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज से यहां तक जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वहां पे रेस्ट जो आपकी ओगोनिया होती वो डिजनरेट कर जाती है, ठीक है। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मेन बात हम यहां पे शुरू करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो सेकेंडरी फॉलिकल तक हम आ गए, अब सेकेंडरी फॉलिकल से इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
इसमें देखते जाएंगे फिगर में, सेकेंडरी फॉलिकल जो है टर्सियरी और प्राइमरी के बीच की एक सेल दिखा रही है, दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम लोग, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल ठीक है, इस पे हमने बताया दो लेयर है, थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल, और इसके अंदर आपका 2n स्टेज में प्राइमरी ऊसाइट अभी प्रेजेंट है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सेकेंडरी फॉलिकल कह रहा हूं, सेकेंडरी ऊसाइट मैं नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में अभी क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी ऊसाइट इन डिप्लॉयड नंबर, और ये मियोसिस में जो है जा चुकी है, प्रोफेज वन पे ये प्रोसेस रोक दिया गया, अरेस्टेड है, ठीक है, चलो समझ लिया हमने। फिर हम लोग यहां पे क्या देखें, जैसे ही ये आपकी बन गई, अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो आपकी टर्सियरी फॉलिकल फिर डेवलप, यहां पे जो है डेवलप होनी शुरू होएगी, ठीक है। तो यहां पे जो प्राइम, यहां से यहां तक क्या है, जो भी आपकी ऊसाइट हो क्या है प्राइमरी, अब हम यहां शुरू करते हैं। तो होता क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल वहां पे प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या है, एक कैविटी बनने लगता है, ठीक है, ये जो मैं डॉटेड डॉटेड दिया, इसमें कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, क्या बोलते हैं एंट्रम, और ये क्या होती है, फ्लूइड से भरी हुई होती है, वो फ्लूइड जो फर्दर इस सेल को नरिश करता रहता है, ठीक है। तो एंट्रम डेवलप हो जाता है, यहां पे आपकी प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट है, ठीक है, और अब हम इसको टर्सियरी फॉलिकल कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं, टर्सियरी फॉलिकल। और ये जो सेकेंडरी और टर्सियरी में क्या डिफरेंस है, इसमें एक कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसमें फ्लूड भरा हुआ था, जिसको हम क्या होते हैं एंट्रम कहते हैं। तो ये क्या होगी, टर्सियरी फॉलिकल, और इसी टर्सियरी फॉलिकल में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा इसी टर्सियरी फॉलिकल में, तो ये क्या होगा, ऐसे हुआ, यहाँ ये बन गया, यहाँ पे जो है जैसे ये कंप्लीट होगा तो एक जो है यहाँ पे आपका बिगर सेल बनेगी, क्योंकि जो यहाँ पे मियोसिस होता है वो अनइक्वल होता है, क्या होता है अनइक्वल। तो ये हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, तो टर्सियरी फॉलिकल में एक पोलर बॉडी बनेगा, क्या बनेगा, सिंगल पोलर बॉडी, ठीक है, और जो यहां पे दूसरा वाला जो बिगर सेल है ये आपकी कहलाएगी सेकेंडरी ऊसाइट, क्या कहलाएगी, सेकेंडरी ऊसाइट। सो याद रखेंगे, जैसे वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो था क्या था, हैप्लॉयड था। तो यहां भी वो चीज सेम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ऊसाइट जो है यहाँ पे वो डिप्लॉयड है, और सेकेंडरी ऊसाइट क्या है, हैप्लॉयड है, और ये कहां पे हो रहा है, ये टर्सियरी फॉलिकल में हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो टर्सियरी फॉलिकल है अपने ऊपर, ये जो आपके यहाँ पे ये आपका जो सेकेंडरी ऊसाइट बना हुआ है, ये अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूशिडा, ठीक है। और जैसे ही अपने ऊपर ये लेयर का फॉर्मेशन कर लेगी, कौन, सेकेंडरी ऊसाइट, इसको हम मैच्योर फॉलिकल, इसको हम कहने लगते हैं क्या, मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्रेफियन, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर क्या कहने लगते हैं इसको, या तो इसको कहेंगे मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल। सो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो वहां तक आपका क्या कंडीशन होता था, मियोसिस फर्स्ट सिर्फ कंप्लीट हुई रहती है, अभी मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ओजेनेसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से वन मार्क के क्वेश्चन बहुत बनते हैं नीट में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस तरीके से आपने देखा तो ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है बट मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुई है, और ये ग्रेफियन फॉलिकल आपके जो है ओवरी में फॉर्म कर गया, यही ग्रेफियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू, अभी आगे इसको बताएंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो अगेन बता देंगे, ठीक है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसी ग्रेफियन फॉलिकल को ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन के लिए, और जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको ट्रिगर करेगा ये तुरंत ओव्यूल को यहां से रिलीज कर देगा और ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। सो क्या हुआ, अभी तक फेलोपियन ट्यूब तक ओबम पहुंच गया, लेकिन अभी भी ओबम जो है क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट है, पूरा का पूरा ओबम वो नहीं बना है। अब ये अगला इंपॉर्टेंट फीचर यहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें फिगर देखते रहेंगे। अब जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल को ट्रिगर करता है, ठीक है,
जैसे ट्रिगर करेगा ये ओबम को रिलीज कर देगा। ये जो ओबम है, ओबम एक्चुअल में है क्या, ये क्वेश्चन यही आ जाता है। ये अभी सेकेंडरी सेकेंडरी ऊसाइट है, ये क्या है आपकी सेकेंडरी ऊसाइट एंड हैप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। तो ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होगा, ये आपका ओबम रिलीज हो जाएगा और इसको फेलोपियन ट्यूब जो है इनफंडिबुलम और फिम्बरी के थ्रू कलेक्ट कर लेगा, और जैसे कलेक्ट करेगा ये मूव करना शुरू कर देगा। अभी अब देखिए इंटरेस्टिंग, ओजेनेसिस कहां कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब जैसे ये ओबम मतलब जो कि अभी सेकेंडरी ऊसाइट है एम्पुला रीजन में पहुंचता है, एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कह लीजिए, जो कहना चाहें, ठीक है। यहां जब पहुंचता है तो स्पर्म, जब इसको स्पर्म यहां पे आके जैसे ही अटैच करता है किससे, सेकेंडरी ओसाइट से, जैसे ही स्पर्म इसमें अटैच करेगा इसमें जो है मियोसिस टू ट्रिगर हो जाती है, मियोसिस सेकेंड, मतलब अब यहां से फिर से एक पोलर बॉडी अलग होगी और एक अनदर अनइक्वल डिवीजन होगा, एक पोलर बॉडी बनेगी एंड ट्रू ओबम यहां पे डेवलप होगा। तो जैसे ही इस पर आप सोचिए कि बिफोर फर्टिलाइजेशन भी ये कंप्लीट नहीं होता, ओजेनेसिस कहां कंप्लीट हो रही, जैसे फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होता है स्पर्म यहां बाइंड करेगा जोना पेलिसुडा में, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा किसके, सेकेंडरी ओसाइट के, तो इसमें जो है सेल डिवीजन मियोसिस टू ट्रिगर हो जाएगी एंड देन अगेन एक पोलर बॉडी जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी, और इसके साथ साथ आपका जो है यहां पे एक अनइक्वल डिवीजन है तो ये बिगर सेल रहता है। अब ये जो हैप्लॉइड है ये एक क्लियर ओबम होता है, स्पर्म भी यहां पे पहुंच चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस ऑफ ओबम, और यहां पे स्पर्म का आ जाता है प्रो न्यूक्लियस, और ये दोनों फर्टिलाइज करके क्या बना लेते हैं, जायगोट। तो याद रखेंगे जस्ट बिफोर जायगोट फॉर्मेशन, जस्ट बिफोर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आपकी ओजेनेसिस कंप्लीट होती है। सोचिए कितनी लंबी प्रोसेस है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू हुआ और कंप्लीट कहां पे होता है, यहां पे आके ये ट्रू ओजेनेसिस आपकी यहां पे कंप्लीट हुई, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फीचर है ओजेनेसिस, इसमें कई सारे स्टेप हैं, कई सारे पॉइंट हैं, और ध्यान से, या इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा स्लोली आपको एक्सप्लेन किया वहां से लेके लास्ट तक, इस प्लेस तक आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अब यहां पे बताएंगे ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओबम बाहर आ जाता है तो ग्रेफियन जो ये आपके ग्रेफियन फॉलिकल का रिमेनिंग चीज यहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तब आपको याद होगा। तो इस फिगर में दो चीजें याद कर लीजिए कि ग्रेफियन फॉलिकल जब रैप्चर करता है ड्यू टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो ओबम रिलीज हो जाता है, और रेस्ट पार्ट जो आपका जो है ग्रेफियन फॉलिकल का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, जो कि ओवरी के अंदर जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि क्या फंक्शन है LH का, क्या फंक्शन है FSH का, क्या फंक्शन है एस्ट्रोजन या ओएस्ट्रोजन का, जो कह लीजिए दोनों एक ही हैं, ओएस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, एंड क्या फंक्शन है आपके प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन इसको अभी जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार लाइन डायग्राम के थ्रू ओजेनेसिस आपको और दिखा देते, ये तो फिगर बेसिस पे था, अब आपको लाइन डायग्राम के थ्रू एक बार हम ओजेनेसिस को समराइज कर देते हैं, और इसे आप ध्यान से रखें क्योंकि जब भी ओजेनेसिस पूछता है तो आपसे लाइन डायग्राम में ही पूछता है, ये ऊपर वाला फिगर आपसे सिर्फ आपके उस एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा, रेस्ट बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया होगा, ऊगोनिया जो है माइटोसिस यहां पे होगी, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू एंड माइटोसिस विद डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये जो भी होना है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही हो जाती है, माइटोसिस है डिफरेंशिएशन, और इसके थ्रू बनेगा क्या, प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है, ये क्या होती 2N, ऊगोनिया भी क्या होती 2N, ठीक है। ये जो है अब यहां से शुरू हो गया, अब फेटल लाइफ शुरू होगी, मतलब बर्थ के बाद प्राइमरी ऊसाइट में जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, फर्स्ट
मियोटिक डिवीजन, जो कि आपके प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट कर ली जाती है, मतलब रोक दी जाती है। अरेस्टेशन मतलब क्या, वहीं पे ये प्रोसेस रुक जाती है सर्टेन टाइम ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रुक गई, अभी बर्थ चाइल्ड, ये जो जितनी प्रोसेस है बर्थ चाइल्डहुड तक का ही है। ठीक है, जैसे ही हम प्यूबरिटी पहुंचेंगे, अभी भी क्या है ये प्राइमरी ओसाइट है यहाँ पे, जैसे ही हम लोग प्यूबरिटी पहुंचते हैं, प्यूबरिटी, ठीक है, तो प्यूबरिटी में क्या होता है, ये आपका जो प्राइमरी ओसाइट है वो डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे एक स्मॉलर सेल बनाएगा जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। और एक जो है लार्ज, ये जो डिवीजन होता है ये अनइक्वल होता है, ये भी हैप्लॉयड होता है, ये भी हैप्लॉयड होता है। और ये जो आपका यहाँ पे बन रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी ओसाइट। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट, इसी फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है बाहर, और जैसे सेकेंडरी ओसाइट आपका बाहर रिलीज होगा, फिर यहीं पे आपका ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म इस पे जैसे अटैच होता है, देन ये अगेन डिवाइड होगा एक स्मॉल सेल में जिसको हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी। और इधर जो आपका होगा ये पूरा आपका हैप्लॉयड मैच्योर एंड ट्रू ओवम आपका, ये इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है। अब इसको सेकेंडरी ओसाइट नहीं कहते, ये आपका प्योर ओवम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा अगर लाइन डायग्राम हम देखें तो इस तरीके से आपकी ओजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, आपको